लुक एट द क्राउड, ये है वो भीड़, आधा कॉरपोरेट वर्ल्ड और आधा बैंगलोर, आधे बैंगलोर के बैचलर्स यहाँ इकट्ठे हैं टू विटनेस द मैजिकल लाइट शो दैट हैपन्स हियर एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम 7 or 7:30 बेस्ड ऑन द वेदर. यू कैन सी द फ्लैशेस. एक चांद ये महादेव के सर पर चमक रहा है, महादेव के शीश पर, और एक ये यहाँ आसमान में. ये है यहाँ का नाइट व्यू. अबाउट टू स्टार्ट अप, देख लो सब लोग एकदम लाइट्स ऑफ हो गई हैं बार बार की, बस दूर दूर की लाइट्स चल रही हैं एंड एवरी वन इज वेटिंग एंग्शियसली. स्टिल 7 minutes, it's 7:23, it will start at 7:30, so still 7 minutes and you can see everyone is gathered in this field and it's gonna be so much fun. Okay, no more, you'll just see, I won't say anything. And intensity allowed him to transcend his physical form, witnessing an individual human in union with the cosmos. They call him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. Lasted for years on end. Curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension.
he expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unruly wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence. A vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi leveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." The yogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Yogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. Sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. Spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. Mahadevaya Namaha.
भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। बियॉन्ड वर्ड्स ऐसा लगा ना गाइस, यार ऐसा लगा ना जैसे बस सामने से साक्षात देख लिया हो। इतना अच्छा, इतना मतलब अगर आप कनेक्ट कर जाओगे ना एक बार उनके साथ, एक बार लाइट शो स्टार्ट होता है ना तो ऐसा लगेगा कि लगेगा ही नहीं कि वो और आप अलग हो, लगेगा कि आप और आपकी इष्ट आप एक हो। आंखें भर आती हैं, आंखें छलक जाती हैं और ये फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो यू मस्ट कम एंड विजिट एंड यू शुड वॉच दिस आदि योगी लाइट शो, कंप्लीट शो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। द शो लास्ट फॉर एटमोस्ट 15 टू 20 मिनट्स, नॉट इवन 20 मिनट्स, सो इट्स वर्थ इट। दिस इज, मैं तब से बोल रही थी मैजिकल, पर मेरे को पता नहीं था कैसा होगा, बट इट्स ट्रूली मैजिकल, यू मस्ट विटनेस दिस। जाने का मन नहीं कर रहा गाइस, बट ये जो आप भीड़ देख रहे हो ना, एवरीवन वाज वाचिंग द दिस लाइट शो, एवरीवन इज लीविंग ऑल एट वंस, सो देयर विल बी अ वेरी ग्रेट ग्रैंड रश वेटिंग फॉर यू। तो अभी हम लोग को जाके थोड़ा भीड़ से लड़ना है, अपने कैब वाले को ढूंढना है और मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 10% है। सो द नेक्स्ट टाइम विल मीट, विल गो ऑन अ न्यू एडवेंचर, विल एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस, अ न्यू मैजिकल जर्नी विल हैव टुगेदर। एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू से गुड बायज, वी हैव टू से आर गुड बायज, नॉट गुड बायज बट बाय बायज। So yeah, bye bye. So finally it's time to say bye bye for today as a snack time, and let me show you something, one last thing for today. Now we are leaving and one last look. जो आप आगे तक देख रहे हो, see that's the लाइन ऑफ व्हीकल्स। बस आज का सफर, आज का एडवेंचर यहीं तक था और ये ट्रैफिक। सो आफ्टर वी गेट रिड ऑफ दिस कंजेस्टेड विलेज एरिया एंड वील गो बैक टू हाईवे, इन नो टाइम विल रीच बैंगलोर। सो विल गो टू अनदर एडवेंचर, अनदर ट्रिप, अंटिल वी मीट अगेन, सी यू देन।